से यहाँ इस समय हम नौलगढ़ कृषि मंडी आ चुके हैं। सब्जी हमारे साथ काफ़ी दुकानदार मौजूद है। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले एक साल या दो कितना समय हो गया यहाँ स्टार्ट हुए, कितना समय हो गया यहाँ स्टार्ट हुए? ये 3.5 साल हो गए यहाँ। तो 3.5 साल में सुविधाओं का मैं देख रहा हूँ कि लोग खुले में बाथरूम जा रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्थाओं का भी आलम है। खुले क्या, 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 क्या आप लोगों की क्या क्या समस्या है? समस्या तो ये, एक तो लेटरिन जाने के लिए यहाँ कोई बनाया नहीं है अभी तक, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं बनाया। बहुत समस्या, किसान आते हैं सब परेशान होते हैं कि सरकार सब जगह बनाती है, यहाँ नहीं बनाया अभी तक भी। एक ये रोड है ना, ये भी सही नहीं बनी है अभी तक, यहाँ बहुत परेशान करते हो। ये गेट है, ये गेट इधर से जाते हो तो 1 किलोमीटर का लगता है उधर से, और ये एक्सीडेंट भी 2-3 हो गए हैं, अभी भी कोई सुनाई नहीं है। मतलब ये गेट खुलवाने की भी मांग है आप लोग? हाँ, ये गेट खुलना चाहिए, हमारा धान मंडी के सामने वाला गेट है, ये खुलना चाहिए। और तमाम जो किसान आते हैं उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ें कि वाकई वो परेशान है? परेशान तो सबके लिए परेशान है, यहाँ कोई सुविधा करी नहीं सरकार ने। सुबह पहले आते हैं 3 बजे, किसान बहुत परेशान है, लेटिंग जाते हैं और जाते हैं। आप तो विधायक जी के नज़दीक लोगों में थे, तो समस्या अवगत नहीं कराया उनको? विधायक जी को तो नहीं कहा, आप कहेंगे विधायक जी को भी कहेंगे, करवाएंगे उनसे कह करके। हाँ देखिए, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको ले चलते हैं अंदर कृषि मंडी सब्जी मंडी में। लगातार सब्जी विक्रेताओं से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी लगातार इस समय आपके दिखाएंगे, देखते रहिए हमारे साथ में। तो हमारे साथ ताराचंद जी हैं, आप बड़े दुकानदार, पहले सीकर मंडी में थे और सीकर चौमू मंडी का भी अच्छा खासा नाम, अब नौलगढ़ मंडी का क्या हाल है? इन नौलगढ़ मंडी अभी देखो आप चारों में दिख रहा है, आगामी 5-4 वर्षों में ना ये सीकर के जैसे टॉप मंडियों में आने लगेगी, सेकाउटी की अच्छी मंडियों में आप काउंटेबल कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ ज़बरदस्त भीड़ रहती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से 3 साल में ग्रोथ की है। हाँ वो तो है, अब देखो आप चारों में से यहाँ मंडावा अपने यहाँ तारानगर लक्ष्मणगढ़ चारों मेरे यहाँ से व्यापारी माल खरीद के ले जाते हैं, और जो पहले लोकल आते थे ना वो भी बसावा उधर तारपुरा चारों सीकर मतलब सीकर के लगभग से यहाँ आने लगे। तो झुंझुनू जिले की तो टॉप मंडी में आज भी काउंटेबल है? हाँ देखो तो आपको खुद झुंझुनू आगामी 5 साल में ये झुंझुनू से भी आगे निकलेगी। हमारे साथ ताराचंद जी का कहना है कि नौलगढ़ मंडी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में ये राजस्थान की टॉप मंडी में आने लग जाएगी, निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन सुख सुविधाओं की बात करें तो सुख सुविधाओं की तो लगातार लोग कह रहे हैं कि बहुत आवश्यकता है, सड़कों में भी मान लीजिए और बाथरूम में मान लीजिए और भी तमाम चीज़ें, क्या है क्या नहीं है यहाँ चीज़ें? नहीं है वो तो, पर अभी नहीं तो है, आगामी 2-5-4 साल के अंदर ये सब सुविधाएँ यहाँ। नहीं तो बाथरूम खुले में जा रहे हैं लोग? बाथरूम तो वो उधर देखो है पर टूटा फूटा है। हाँ वो उसको उसके अंदर तो वो तो बंद पड़ा है, यूज ही नहीं हो रहा, बंद पड़ा है, बंद है। वो है पर वो तो यहाँ सेक्रेटरी साहब को और सबको है ही पता बता दिया, वो कुछ टाइम लोग मांग नहीं उठाते कि भाई तो चीज़ें तो नहीं है उनको दुरुस्त किया जाए, कर रहे हैं बाकी की सब 1-1.5 साल के अंदर सब सही हो जाएगा ऐसा है लगता है। और लोगों का कैसा रेस्पॉन्स है लगातार यहाँ आकर यहाँ खरीदार दुकानदार के रूप में? नहीं नहीं वो तो सब आप अच्छा हो रहा है सब पहले। ताराचंद जी का कहना है लगातार लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स है और लगातार लोग आ रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, सब्जी विक्रेता आ रहे हैं और खरीदने और बेचने वालों की ये मंडी आने वाले दिनों राजस्थान की टॉप मंडियों में होगी। कैलाश जी, इस मौसम में प्राय किस तरह की आपकी मतलब ये सब्जियाँ आ रही है, क्या सही है और किस तरह का मतलब आपका व्यापार चल रहा है? ये इस टाइम पर मेरे पास से पत्ता गोभी आ रही है, फूल गोभी आ रही है, ये मूली आ रही है, गाजर आ रही है, लोकल सब्जी है सब्जियाँ, और आल आ रही हैं, ये सब्जियाँ आ रही है, नींबू वगैरह। तो यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खरीदार सब और बेचने वाले दोनों? ये सब आसपास के आते हैं, झुंझुनू के है, यहाँ अपने नवलगढ़ के है, बेरी आसपास के आते हैं, लिसमगढ़ के बिसाऊ मंडावा उससे बिसाऊ मंडावा उधर के भी आते हैं और लिसमगढ़ के आसपास के सब लोग आते हैं। सुबह कैसा माहौल होता है, कितनी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपके दुकानदार विक्रेता बेचने वाले तमाम? सुबह 200-300-400 आदमी इकट्ठे होते हैं। तो जो यहाँ सुख सुविधाएं हैं संतुष्ट है या और लाभ लोगों की तकलीफें हैं? हाँ सुख सुविधाएं तो अभी संतुष्ट नहीं है, हर चीज़ की समस्या है यहाँ, जैसे आप बताना चाहिए, जैसे पानी टाइम पर नहीं आता है, लेटरिन वेटरिन की भी असुविधा है और मान लो रोड वर्क भी अच्छी नहीं है,
ये तो स्थानीय जनप्रतिनिधि इस तरफ आपने ध्यान दिए दिलाया उनको? हाँ बोलते हैं इनको, सबको बताते हैं, अधिकारियों को भी बोला है। जल्द उम्मीद है कि तमाम व्यवस्था होंगी। हाँ हाँ, तो 3.5 साल हो चुके हैं इस मंडी को प्रारंभ हुए, लेकिन अभी भी व्यवस्थाओं की सुधार की बहुत आवश्यकता है। यहाँ क्या आपकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनसे संतुष्ट है, और नहीं हो तो फिर क्या क्या आपके और लोगों की डिमांड है? यहाँ एक तो बिल्कुल भी साइड में रोड है तो कंक्रीट पड़ी है, इनका भी कोई समाधान है नहीं है, और यहाँ पानी पेशाब की भी कोई समाधान नहीं है। तो माताएं बहनें जो सब्जी लेकर आती हैं और खरीद बेचने आते हैं तो वो मतलब फिर खुले में जा रहे हैं बाथरूम? हाँ इधर खुले में ही जाते हैं, कोई खुले में जाए सब, जो भी पेशाब पानी करती है जो लेडीज आती है वो भी सब खुले में जाती है, कोई बंदोबस्त है नहीं, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई और कोई चीज़ का बंदोबस्त नहीं है। तो स्थानीय प्रशासन, पालिका और आपका विभाग कोई कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी पुराने ये कहेंगे दुकानदार हैं, क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम बनवालाल सैनी डाडी वाले बाबा। तो डाडी वाले बाबा जी आप बताओ कि नौलगढ़ के जो मुख्य सब्जी मंडी से आज यहाँ का सफ़र आपने तय किया है, अच्छी चल रही है आपकी दुकानदारी? दुकान अच्छी चल रही है। और क्या चाहते हैं और भी इसमें इम्प्रूवमेंट, यहाँ व्यवस्थाओं के विषय में बात करें तो? विशेषता बढ़िया है, लेटरिन वेटरिन बनवाओ और के लेटरिन बनवा दो बढ़िया है, और सड़क वड़क सब तमाम आकुल व्यवस्था? हाँ सड़क है बनवा दो, कंक्रीट चल रही है तो सड़क बनवा दो इस ऊपर। तो सुबह कहाँ कहाँ के खरीदार, पूरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ तो मतलब राजगढ़ गाँव है, रतनगढ़ गाँव है, अपने झोजना गाँव है, मुकनगढ़। इतनी दूर से राजगढ़ रतनगढ़ से भी? हाँ रतनगढ़ से आवे, रतनगढ़ से आवे, मुकनगढ़ से आवे, डनौत से आवे, अपने रामगढ़ से आवे, बिसाऊ से आवे, चूरू से आवे, मतलब सीकर चूरू झुंझुनू जिलों के काफी कस्बे के लोग दुकान खरीदार हैं, काफी दुकान पर माल आता है, काफी माल ले जाता है। क्या इस समय सब्जियां एक प्रॉपर क्या क्या स्पेशल आपके पास में सब्जी होगा यहाँ? क्या क्या गोभी है? 15 रुपए किलो बिक रही है गोभी, 15 रुपए किलो बिक रही है, मूली 1.5 रुपए किलो बिक रही है। प्याज के क्या भाव चल रहे हैं? प्याज 50-52। 50-52 सस्ता हो गया क्या? हाँ बस सस्ता, आला बिक है, आला गिला। तो हमारे साथ बनवारी लाल जी ने शेयर की है वो चीज़ें कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या इस समय सब्जियों में क्या भाव चल रहे हैं और कौन कौन सब्जी आ रही है। लगातार हमारे साथ देखते रहिए आप।